वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। लघुतम बनाने की संपूर्ण गुणनखंड 4 और 8 का लघुतम निकालने के लिए गुणज की सूची बनाइए। आप इन्हें पहाड़े भी बोल सकते हैं। दोनों संख्याओं के गुणज में जो समान है उन्हें ढूंढें। संख्या 4 और 8 में समान सबसे छोटी संख्या 24 है, इसीलिए 4 और 8 का लघुतम समापवर्तक 24 हुआ। इसे और बेहतर से समझे, 5 और 8 का लघुतम कैसे निकालते हैं? पहले 5 और 8 का अपवर्तक लें। इसे गुणज और पहाड़े भी बोल सकते हैं। यहाँ 5 और 8 का समान छोटी संख्याएं 40 है, इसलिए 5 और 8 का समापवर्त है 40 हुआ, इसलिए 5 और 8 का लसा बराबर 40 होगा।